हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एम इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए आज क्लास 12 यूपी बोर्ड के लिए जो है 2022 से 23 जो इस वर्ष 2022 चल रहा है, 23 में आप एग्ज़ाम देंगे, तो इसमें जो है 2023 के एग्ज़ाम में क्या क्या आएगा आपको एग्ज़ाम में, उस पैटर्न को देख लेते हैं। क्योंकि सिलेबस चेंज हो गया है, चेंज होने का मतलब ये 30% इस साल भी आपको कम हो गया है, ये अपनी गुड न्यूज़ है। देख लेते हैं कौन कौन सा चैप्टर नहीं पढ़ना है इस साल और कौन कौन सा पढ़ना है और क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे, जो चेंजिंग हुआ उसको भी देख लेते हैं। देखिए 100 नंबर का आपका एक 100 मार्क्स का जो 100 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें पहला क्वेश्चन जो आएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या क्या आएगा उसको देखते हैं, उसके बाद सिलेबस देख लेते हैं। आपको रीडिंग सेक्शन आएगा, रीडिंग सेक्शन मतलब जो अनसीन पैसेज आता है, पैसेज दिया जाता है, उसमें से आपको 15 नंबर का पूरा आएगा अनसीन पैसेज, जिसमें से एक लॉन्ग पैसेज दिया रहेगा, जो 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3-3 नंबर का रहेगा, 4 3 12 नंबर आपको मिलेगा। उसी पैसेज में से एक वोकैबुलरी क्वेश्चन का तीन क्वेश्चन आएंगे वोकैबुलरी पर आधारित। वोकैबुलरी मतलब किसी का मीनिंग पूछ लेगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स ये सब पूछेगा, ठीक है, या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कोई भी मतलब बुक ऐप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा, तो तीन, ठीक है, खास करके एंटोनिम्स सिनोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये तीन उसमें से आते हैं, किसी फ्रेज का भी मीनिंग पूछ सकता है। तो बुक ऐप बुल सेक्शन आपके ग्रामर के कोर्स में है, तो उसी तरह से यहाँ अनसीन से पूछ लेगा, तो तीन रहेगा, एक एक नंबर का आप बुका बोल रहे तो 3 नंबर की है, 4 3-3 नंबर का रहेगा, चारों जो है वेरी शॉर्ट वाला, तो इतना 12-3 15 नंबर का होगा। राइटिंग में क्या पूछेगा, आर्टिकल माने लेख, लेख का मतलब वो निबंध, एसे जिसको कहते हैं आप, तो एसे भी पूछेगा, ये 100 से 150 वर्ड में, डिस्क्रिप्टिव आर्गुमेंटिव ऑटोबायोग्राफिकल, इन तीनों में से किसी भी, ठीक है, निबंध पूछ लेगा, मतलब किसी के व्यक्ति का वर्णन पूछ सकता है, किसी का आत्मकथा पूछ सकता है, कोई भी, ये सब आपको इम्पोर्टेंट निबंध जो है हम आपको इसी चैनल पर बता देंगे कौन कौन सा इस वर्ष के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कुछ वीडियो हम बनाए भी हैं, ठीक है, तो ये सब जो है पूछेगा 100 से 150 वर्ड में, तो आपको जो है लिखना पड़ेगा, और 10 नंबर इसके लिए आप निबंध पे पा जाएंगे, और 10 नंबर और जो पाएंगे आप, तो लेटर पर एडिटर संपादक समाचार पत्र के जो संपादक होते हैं उनके लिखने के लिए आएगा, या कंप्लेंट लेटर शिकायती पत्र संपादकीय या शिकायती पत्र रहेंगे, दो ही पॉइंट पे आपको याद करना है, 10 नंबर इसके लिए पा जाएंगे, तो इसके भी हम कुछ बनाए हैं वीडियोस आगे आपको चैनल पे एडिटर के लिए, कंप्लेंट के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट कौन कौन से आ सकते हैं मैं इसी चैनल पे आपको बता दूंगा, वो फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, तो विद्यार्थियों की सुविधा के लिए मैं इस तरह से तैयारी करवा रहा हूँ, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे देखते हैं सेक्शन सी, सेक्शन सी में 25 नंबर का आपको स्पेशल ग्रामर पूछा जाएगा, तो क्या क्या 10 क्वेश्चन पूछ जाएंगे, MCQ माने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पी, 10 क्वेश्चन बहुविकल्पी रहेंगे एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, और इसमें बहुत छोटे छोटे प्रश्न भी रहेंगे, तो 10 क्वेश्चन जो रहेगा ये बहुविकल्पी और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे किसी डायरेक्ट का इनडायरेक्ट पूछ लिया जाएगा, या चारों इनडायरेक्ट, चार ऑप्शन दे दिए गए उसमें एक इनडायरेक्ट बनाया गया है, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा कि इसका एंटोनिम्स क्या है, या चार दिया जाएगा ऑप्शन, उसमें कहेगा इसका ऑप्शन में से एंटोनिम्स बताओ या सिनोनिम्स बताओ, एडियम्स फ्रेज का मीनिंग बताओ, इस तरह से, ठीक है, या फिर सेंटेंस में यूज़ करिए, तो यही सब होता है इसमें, तो ये 10 पूछे जाएंगे 10 क्वेश्चन, ये 2-2 नंबर के रहेंगे, 20 नंबर आप पाएंगे, तो ये किस पर आधारित रहेंगे, बहुविकल्पी और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन, नरेशन पे, सिंथेसिस पे, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, एडियम्स एंड फ्रेज या फ्रेजल वर्ब, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होमोफोन्स, इन पर आप के पूछे जाएंगे, ठीक है, इन सभी की सीरीज मैं चला भी रहा हूँ ग्रामर में, आप एक्सीलेंट का ग्रामर कवर करा रहा हूँ, उसके अलावा आप हमारे चैनल पर देखेंगे तो सिंथेसिस की एक्सरसाइज, ट्रांसफॉर्मेशन की, सिंटैक्स की, एडियम्स एंड फ्रेज सब की बनाया हूँ, एंटोनिम सिनोनिम वन प्लस, चाहे जो सर्च करेंगे भाई आरएम इंग्लिश क्लासेस सूरपुर या रमेश सर तो आ जाएगा, ठीक है, प्ले लिस्ट में चले जाएंगे आप, एडियम्स एंड फ्रेज प्ले लिस्ट है, फ्रेजल वर्ग की प्ले लिस्ट है, तो सब आप कवर कर सकते हैं काफ़ी वीडियोज, नहीं तो आप जुड़े रहिए, धीरे धीरे आपको एग्जाम से पहले फिर आपको पूरा मिलती रहेगी, तैयारी करते रहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। आगे है ट्रांसलेशन आएगा, तो 7 से 8 वाक्य में आएगा, 5 नंबर का रहेगा, तो इस तरह से ये 20-25 नंबर हो गया। अब लिटरेचर मतलब किताब वाले पोर्शन से क्या क्या आएगा, फिल्म को फ्लेमिंगो टेस्ट जो लगी है आपके लिए,
40 नंबर के उसमें से आएगा, 60 नंबर का ग्रामर, 40 नंबर की किताब। इसमें दो छोटे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, पहला प्रोस से रहेगा, एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखना होगा। ठीक है, तो चार चार नंबर का रहेगा, शॉर्ट वाला तो 8, 7 लॉन्ग, 15 नंबर की हो गया। पोएट्री से आपका कितने नंबर का आएगा इसको देख लीजिए, पोएट्री से आपका 10 नंबर का आएगा, जिसमें से तीन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन गिवन पोएट्री एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब अवतरण या सारांश, तो मतलब जैसे जो स्टैंजा आपको दे दिया जाएगा, एक स्टैंजा आपका पोएट्री से दे दिया जाएगा, उसमें से तीन क्वेश्चन बना दिए जाएंगे। ठीक, तो दो दो नंबर के रहेंगे, 3 × 2 = 6, तो 6 नंबर इस तरह से पाएंगे। हाँ, उसी तीन क्वेश्चन में से आपको एक आध क्वेश्चन ऐसा भी आ जाएगा जो अलंकार पे आधारित रहेगा, जैसे तो बता रहे नोट में था, क्वेश्चंस रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग फिगर ऑफ स्पीच विल बी इंक्लूडेड इन द पोएट्री सेक्शन, मतलब जो निम्नलिखित अलंकार दिए गए हैं, 7 अलंकार यहाँ हैं, इनमें से भी मतलब उसमें क्वेश्चन शामिल किए जा सकते हैं, जैसे सिमली माने उपमा अलंकार, मेटाफर माने रूपक अलंकार, तो कुछ कोई लाइन दे देगा, कह देगा इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप उसमें सिमली भी हो सकता है, मेटाफर भी हो सकता है, पर्सनिफिकेशन, ऑक्सीमोरन, ये सभी में से कोई भी अलंकार हो सकता है अगर आप बता देंगे, जैसे लाइक्स टू है तो सिमली है, ठीक है, जो भी है आपको बताना पड़ेगा। तो अलंकार भी आपको जो है चैनल पर मैं पढ़ाया हूँ, सर्च कर लीजिएगा फिगर ऑफ स्पीच बाय रमेश सरिया बाय आर एम इंग्लिश क्लासेस शुरू हो, तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो फिर आपको बाद में रिवीजन करते करते फिर से हम दोबारा पढ़ाएंगे। सेंट्रल आइडिया भी आपको गिवन पोएम कोई कविता दे देगा, उसका नाम दे देगा कि इसका सेंट्रल आइडिया लिखो, या दो कविता का नाम दे देगा जिसमें से एक लिखो, या तीन दे देगा एक का लिखो, जैसे भी देगा आपको सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए कविता का नाम देगा, तो उसी में से आपको लिखना पड़ेगा, जिसका नाम दिया रहेगा उसी में से आपको लिखना होगा। ठीक है, अब उसके बाद आपका जो है सप्लीमेंट्री भी है, सप्लीमेंट्री से आपको 15 नंबर का आएगा, तो इसमें दो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लिखने होंगे, 8 नंबर पाएंगे आप, एक लॉन्ग लिखना होगा, 7 नंबर पाएंगे। ठीक है, ये जो दो शॉर्ट कहा गया उसमें तीन क्वेश्चन आएंगे, तो एक ऑप्शनल रहेगा, दो लॉन्ग आए तो एक ऑप्शनल रहेगा, इस तरह से आते हैं, जितना लिखना हो उतना ही आपको बताया गया है। इसमें फ्लेमिंगो के लिए फ्लेमिंगो टेस्ट बुक, ये बुक्स प्रेस्क्राइब निर्धारित की गई पढ़ने के लिए, तो बताया गया। अब यहाँ कुछ पार्ट का नाम दे दिया गया, किताब आप खरीदेंगे तो उसमें कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं, तो इसमें 5 पार्ट प्रोज में पढ़ने हैं, लास्ट लेसन पाला, लॉस्ट स्प्रिंग, डीप वाटर, बैरेट ट्रैप, इंडिगो, यही 5 पार्ट पढ़ने हैं आपको। पोएट्री में क्या है, 6 पोएम पढ़ना है, मदर एट 66, एलिमेंट्री स्कूल, ठीक है, एन एलिमेंट्री स्कूल वाला पार्ट है, कीपिंग क्वाइट, आई थिंक ऑफ ब्यूटी, आंट जेनिफर्स, टाइगर्स, ये 6 पार्ट पढ़ने हैं आपको। सप्लीमेंट्री में 3rd लेवल, टाइगर किंग, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ, द एनिमी शुड विजार्ड हिट मॉमी ऑन द फेस ऑफ, ये 6 पार्ट पढ़ने हैं। ठीक है, बाकी आपको एक भी पार्ट नहीं पढ़ने हैं। नोट दिया, नो बुक हैज़ बीन प्रिस्क्राइब फॉर ग्रामर, ग्रामर के लिए कोई किताब निर्धारित नहीं की गई है, स्टूडेंट्स कैन सेलेक्ट एनी बुक रिकमेंडेड बाय द सब्जेक्ट टीचर, विद्यार्थी जो भी उनके विषय के टीचर हैं उनसे आप खुद पूछ के ग्रामर की किताब खरीद लीजिए। तो जहाँ तक मेरी बात है, मैं खुद एक टीचर हूँ, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा EXELLENT, एक्सीलेंट ग्रामर सबसे बेस्ट किताब होती है इंटरमीडिएट के लिए, आप इसी को लेके तैयार कर डालिए, हाँ, ग्रामर के लिए एक्सीलेंट। और बाकी तो राजू प्रकाशन का ग्रामर आपको टेक्स्ट बुक के लिए बेटर होता है, बाकी आप कोई भी प्रकाशन खरीद सकते हैं, मैं किसी प्रकाशन का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, एक अपना सुझाव दे दे रहा हूँ जो मुझको अच्छा लगा, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे यही पढ़ रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादातर स्कूलों में यही चल रही है, बढ़िया किताबें, ठीक है, तो आप एक्सीलेंट ग्रामर मैं पढ़ाता हूँ, बाकी वैसे राजू प्रकाशन ग्रामर भी मैं पढ़ाता हूँ, दोनों प्रकाशन की किताब को मैं कवर करता हूँ उस चैनल पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बाकी आप चाहे जो प्रकाशन ले सकते हो, यू आर फ्री। देखिए, अप टू 30% रिड्यूस सिलेबस, 30% जो आपको नहीं पढ़ना है किताब का, देखिए पढ़ना है जो इसको बता दिया, प्रोज का, पोएट्री का, जो नहीं पढ़ना उस पार्ट का भी नाम देख लीजिए आप किताब में। पोएट्स एंड प्रैंकेक्स नहीं पढ़ना है, इंटरव्यू नहीं पढ़ना है, गोइंग प्लेसेस नहीं पढ़ना है, ए रोड साइड स्टैंड नहीं पढ़ना है, ठीक है, पोएट्री में केवल एक पार्ट नहीं पढ़ना है, विस्टास जो सप्लीमेंट्री रीडर उसमें क्या क्या नहीं पढ़ना है, इवान्स ट्राइज एंड ओन लेवल ये नहीं पढ़ना है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड नहीं पढ़ना है, तो इसमें दो सेक्शन है, दोनों नहीं पढ़ना है। ठीक है, राइटिंग सेक्शन में ठीक है, बिजनेस लेटर नहीं आपको पढ़ना है, क्योंकि बिजनेस, फार्मल, इनफार्मल तीन प्रकार के लेटर दिए रहते हैं, तो बिजनेस लेटर आपको नहीं पढ़ना है, बस ये आपका पूरा हो गया। आई होप समझ में आ गया हो, कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी आपकी क्वेरी हो तो इसलिए चैनल से आप जुड़ जाइए, और बोर्ड परीक्षा से पहले आपको फ्री ऑफ कास्ट एकदम फ्री आपको मिल जाएगा, पूरा तैयारी कराई जाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट था कि बच्चों की हेल्प करना जो कोचिंग नहीं जा सकते हैं, ठीक है, और वो भी एकदम निःशुल्क। तो आप वीडियो को शेयर करें, सभी लोग जानें और चैनल से जुड़ें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।